सो गाइस, अगर आपके पास गियर साइकिल है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि गाइस ये गियर साइकिल में हम आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। गाइस जैसा कि ये गियर साइकिल का आप शिफ्टर देख पा रहे हैं गाइस, तो क्या हो जाता है कि जब साइकिल को हम लोग वॉश करते हैं, गियर साइकिल को वॉश करने के बाद क्या होता है कि जो जेन्युइन जगह है गाइस वहाँ आप लोग ऑयलिंग कर देते हैं, ऑयलिंग करने के बाद उसे छोड़ देते हैं। लेकिन गाइस क्या होता है कि ये शिफ्टर में आप ऑयलिंग कर सकते हैं, तो हम आप लोग को बताना चाहेंगे गाइस शिफ्टर में ऑयलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर शिफ्टर में अगर आप ऑयलिंग भी करते हैं तो ऑयल जो है अंदर तरफ नहीं जाएगा। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि शिफ्टर खोल करके ऑयलिंग किस प्रोसेस के साथ में कैसे करना है, और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, क्योंकि गाइस बहुत ऐसा होता है कि आप जो है साइकिल वॉश कर दिए और साइकिल को इसी तरीके से बहुत दिन तक चला रहे हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली शिफ्टर क्या हो जाता है कि जाम हो जाता है। जाम होने के बाद क्या होता है गाइस, जब आप साइकिल शॉप में ले जाते हैं रिपेयर करवाने के लिए, बनवाने के लिए, तो ये शिफ्टर जो है गाइस आपको लगता है कि खराब हो गया है, तो आप डायरेक्टली बोल देते हैं कि हमें चेंज कर दीजिए। तो गाइस बताना चाहेंगे ये शिफ्टर जल्दी खराब नहीं होता है, बहुत ही लॉन्ग लास्ट तक चलने के बाद ही खराब होता है, वरना नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका साइकिल का शिफ्टर खराब ना हो तो किस तरह से ऑयलिंग किया जाएगा, चलिए आप लोग को अच्छे से बताते हैं, और गियर साइकिल में कहां कहां ऑयलिंग किया जाता है वो भी बताएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। पहले आपको शिफ्टर खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, एक स्क्रू ड्राइवर का जरूरत पड़ेगा, जो कि आपको जो है चार मुंह वाला होना चाहिए गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए हम दोनों स्क्रू नट को खोल लेते हैं शिफ्टर का, उसके बाद फिर आप लोग को आगे बताते हैं। जैसा कि गाइस आप शिफ्टर देख पा रहे हैं गाइस, तो शिफ्टर में देखिए दोनों साइड में दो स्क्रूप लगा हुआ गाइस, तो इस तरह का स्क्रूप को आपको खोल लेना, ठीक है, सभी शिफ्टर में होता है, जो रैपिड फायर होगा गाइस उसमें ही होता है, नहीं तो आधा आधा शिफ्टर में आपको बहुत तरह का फंक्शन मिल जाएगा, तो आपको देखते हुए अपना हिसाब से ओपन कर लेना, इस तरह से खोल लेना, ठीक है गाइस। तो देखिए एक साइड का हम खोल लिए हैं, आप दूसरा साइड का हम खोल लेते हैं। सो गाइस तो ये देखिए हमने दोनों साइड वाला खोल लिए हैं, तो आपको नज़दीकी से हम थोड़ा दिखाने का कोशिश करते हैं। जैसा कि गाइस शिफ्टर का आप अंदर वाला देख रहे हैं गाइस, तो यहाँ देखिए बोल्ट में देखिए गाइस, यहाँ पर देखिए रस्ट लग चुका है, ठीक है गाइस, जंग लग गया है। तो यही होता है गाइस जब साइकिल को वॉश करते हैं, जब अंदर में पानी चला जाता है गाइस, तो क्या होता है कि रस्ट लगना चालू हो जाता है, और ये सब जितना भी मैकेनिज्म है गाइस सभी में जो है रस्ट लगना चालू हो जाता है, जंग लगना चालू हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है गाइस, ऑयलिंग नहीं करते हैं तो आपको क्या होता है कि इसमें जंग लग जाता है, रस्ट लगने के कारण क्या होता है कि जाम हो जाता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस आपको करना है, ऑयलिंग करना है, तो जिस प्रोसेस के साथ में हम आप लोग को खोलते हुए दिखाएंगे गाइस, वही प्रोसेस के साथ में आपको खोल लेना है। खोलने के बाद क्या करना है गाइस, बाइक का इंजन का ऑयल होगा गाइस जो कि न्यू होना चाहिए, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको क्या करना है, दो दो बूंद करके जो है गाइस इस तरह से जो है डालना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं न्यू है हमारा ऑयल गाइस, तो ये सब जगह में जला हुआ ऑयल का यूज़ ना करें जरा सा भी, ठीक है गाइस। इससे क्या होगा कि आपका शिफ्टर जो है गाइस लॉन्ग लास्ट तक चलेगा और कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, और ये आपका ख़राब नहीं होता ये शिफ्टर जल्दी गाइस, यानी होता ही नहीं है, आपको हम बता देते हैं। अगर इन फ्यूचर अगर हो जाता है तो बात की बात है, हालांकि गाइस ये शिफ्टर ख़राब नहीं होता, अगर ख़राब हो जाता है और चेंज करवाते हैं तो इसका कॉस्ट भी आपको ज़्यादा बैठ जाएगा गाइस, 1200 या 300 या 500 रुपीज़ के अंडर में आपको ये रैपिड फायर शिफ्टर आता है, वो आपका जो है जोड़ा आएगा, सिंगल नहीं आएगा। अब चलिए हम दूसरा साइड में भी ऑयलिंग कर लेते हैं, तो ये इस साइड में हम ऑयलिंग कर दिए, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए दूसरा साइड में भी गाइस आपको सेम प्रोसेस के साथ में कर लेना है। तो देखिए इस तरह से आपको ऑयलिंग कर देना है, एकदम अच्छा से कर देना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा गाइस। अगर थोड़ा ज़्यादा भी ऑयलिंग हो जाता है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ये आपका आसानी से जो है इस तरह से ऑयलिंग हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब क्या होगा इसकी ये शिफ्टर में कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, जाम का प्रॉब्लम नहीं आएगा, लॉन्ग लास्ट तक चलेगा ये शिफ्टर आपका। उसके बाद गाइस जिस प्रोसेस के साथ में आप खोले थे उस प्रोसेस के साथ में आपको आराम से फिट कर देना है, जिस तरह से खुलेगा गाइस उसी तरह से फिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिट कर लेना है, तो गाइस हमारा एक साइड हो गया है, अब जो गाइस दूसरा साइड में भी फिट कर लेते हैं। सो गाइस तो ये देखिए आसानी से एकदम जो है कंप्लीट हो चुका है गाइस, तो इस तरह से शिफ्टर में ऑयलिंग कर लेना। आप चलिए गियर साइकिल में कहाँ का ऑयलिंग किया जाता है आप लोग को अच्छे से बताते हैं, ताकि आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम ना हो ऑयलिंग करते समय, क्योंकि गाइस गियर साइकिल में डिस्क ब्रेक भी लगा हुआ होता है, तो आप अगर ऑयलिंग करते हैं तो डिस्क ब्रेक में अगर ऑयल चला जाता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हालांकि डिस्क ब्रेक में भी ऑयलिंग होता है गाइस, तो किस प्रोसेस के साथ में होगा वो भी चीज़ आप लोग को क्लियरली बताते हैं। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल में न्यू आए हैं और साइकिल रिलेटेड में नॉलेजफुल वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी
सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन ऑल कर दे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और अपना साइकिल को आप ठीक कर सके। और प्यारा सा एक लाइक कर दे और अदर दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि अदर दोस्तों को भी काम में आने वाला वीडियो है। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं गाइस, तो लाइक के साथ एक कमेंट भी कर दिया करें। सो गाइस, दो दिन पहले ही हम अपना साइकिल को वॉश किए थे, वॉश करने के बाद ऑयलिंग नहीं किए गाइस, तो ऑयलिंग नहीं करने की वजह से गाइस इसका फिरव्हील में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, फिरव्हील कहीं कहीं जाम हो जाता है गाइस ऑयलिंग नहीं करने की वजह से। तो आप लोग ऑयलिंग मेंटेनेंस का जरूर ध्यान दे गाइस। और साइकिल को वॉश करने के बाद हम इसमें पॉलिश भी किए थे गाइस, तो बेस्ट पॉलिश का भी वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएगा हमारे चैनल पर। अगर आप वो पॉलिश अपना साइकिल में करते हैं गाइस साइकिल को वॉश करने के बाद, तो आपका साइकिल हमेशा न्यू जैसा चमकता रहेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा कलर में, आपका कलर का लाइटिंग हमेशा बना हुआ रहेगा। तो कौन सा पुलिस है गाइस नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले आपको गियर साइकिल में ऑयलिंग करना गाइस, साइकिल का चेन में, उसके बाद फिरव्हील में। तो चलिए हम ऑयलिंग कर लेते हैं गाइस, और न्यू ऑयल होना चाहिए गाइस, पुराना ऑयल नहीं होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आपको जो चेन में बढ़िया से ऑयलिंग कर लेना गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है गाइस, एकदम आपको मीडियम में ऑयलिंग कर लेना है, ज्यादा ऑयल का यूज ना करें। अगर ज़्यादा ऑयल का यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होगा कि चेन आपका बहुत ज़्यादा गंदा होगा, गंदा होने के बाद क्या होगा कि डस्ट से भर जाएगा, तो आपको फिर चेन वॉश भी करना पड़ेगा, नहीं तो गाइस सामान आपका ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ को ध्यान देते हुए आपको ऑयलिंग कर लेना है। तो हम चेन में ऑयलिंग कर लिए हैं, अब चलिए फिरव्हील में ऑयलिंग कर लेते हैं। फिरव्हील में ऑयलिंग करने से पहले गाइस आपको क्या करना है, शिफ्टर वगैरह में, ये सब जगह में गाइस आपको अच्छे से ऑयलिंग कर देना है, सभी जगह में, नट बोल्ट वगैरह में, जहाँ पर ये शिफ्टर डॉयलर वगैरह मूव होता है, ठीक है, अच्छे से ऑयलिंग कर देना है। तो हम अच्छे से सब जगह में ऑयलिंग कर दिए हैं आगे वाला डेलर में, उसके बाद गाइस पीछे वाला डेलर में आपको ऑयलिंग कर देना है इस प्रोसेस के साथ में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन सभी जगह में आपको जो है अच्छे से ऑयलिंग कर देना है डेलर में। देखिए रोलर वगैरह ये सब हो गया, चेन रोलर वगैरह ये सब सारा चीज़ मेरे को बढ़िया से ऑयलिंग कर देना है। तो हम अच्छे से ऑयलिंग कर दिए गाइस, इस तरह से साइकिल को आपको उलट देना है, ठीक है, आराम से उलट देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, व्हील को इस तरह से आपको जो है घुमाना है, ठीक है, इस तरह से व्हील को घुमाना है, व्हील को घुमाते हुए और फिर व्हील में इस तरह से आपको ऑयलिंग करना है, इस तरह से गाइस आपको जो है फिर व्हील में ऑयल करना है, ठीक है गाइस, इस तरह से, ठीक है। फिरव्हील में ऑयल करने के बाद फिरव्हील का साउंड आप सुन पा रहे गाइस, फिरव्हील का साउंड चेंज हो चुका है। उसके बाद गाइस आपको थोड़ा सा अंदर की ओर करना है, जो कि आपका चक्के में ऑयल हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आपको चक्के में भी ऑयल कर लेना है, ठीक है गाइस, और थोड़ा सा स्पीड में चक्का को घुमा देना है इस तरह से, ठीक है गाइस। तो ये हमारा जो है चक्के में और फिरव्हील में ऑयल हो गया है। आप गाइस ऑपोजिट साइड में चक्के में कैसे ऑयलिंग करना गाइस, बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा, नहीं तो डिस्क आपका ख़राब हो जाएगा। उसके बाद गाइस साइकिल को अपोजिट साइड में उलट लेना है, जैसा कि देखें, ठीक है। तो ये हम डिक साइड में उलट लिए हैं, इस तरह से उलट लेना है, इस तरह से गाइस आपको जो है व्हील को घुमा लेना है। व्हील को घुमाने के बाद गाइस एकदम जो है आपको हल्का हल्का माइनर यहाँ पर ऑयलिंग करना गाइस, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हम माइनर ऑयलिंग कर दिए हैं, थोड़ा देर आपको रुक जाना है, ठीक है, जब तक ऑयल अंदर की ओर ना चला जाए, इस तरह से आपको घुमाते रहना है, ठीक है। ऑयल जो है गाइस अंदर की ओर चला गया है, अब क्या करना है, एक फ्रेश कपड़ा लेकर के इस तरह से गाइस हल्का हल्का ऑयल को पोंछ देना है, ठीक है गाइस, हल्का हल्का जो भारी वाला ऑयल रहेगा, इससे क्या होगा कि डिस्क में आपका नहीं आएगा और डिस्क आपका ख़राब नहीं होगा। अब गाइस डिस्क बॉक्स में कैसे ऑयलिंग करना है, ये वाला प्रोसेस गाइस हम आगे वाला व्हील में भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे वाला व्हील में भी जो है हम ऑयलिंग कर दिए हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल है गाइस उसे हम कपड़ा से फ्रेश कर देते हैं हल्का हल्का। सो गाइस, तो ये देखिए हमारा कपड़ा से फ्रेश हो गया है, अब चलिए बॉक्स में करते हैं ऑयलिंग। डिस्क बॉक्स में ऑयलिंग करने से पहले गाइस आपको क्या करना है, साइकिल उल्टा हुआ रहेगा गाइस, तो आपको हैंडल में इस तरह से ऑयलिंग कर लेना है, ठीक है गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं, एकदम अच्छे से आपको ऑयलिंग कर लेना है हैंडल में, ये देखिए। सो गाइस, तो वॉश करने के बाद अगर आप ये सब चीज़ें बढ़िया से अगर आप ऑयलिंग कर देते हैं तो आपका पार्ट्स एकदम ख़राब नहीं होगा, लॉन्ग लास्ट तक चलेगा। उसके बाद गाइस आपको जो है हैंडल में ऑयलिंग करने के बाद आपको जो है बॉटम ब्रैकेट में ऑयलिंग कर लेना है इस तरह से, ठीक है गाइस। तो बॉटम ब्रैकेट में आपको एक ही साइड में थोड़ा ज़्यादा ऑयल करना है गाइस, इससे क्या होगा कि ये जो ऑयल है गाइस ये आपका दोनों साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ देरी ऑयल करने के बाद कुछ देरी वेट करें गाइस, ठीक है, तो ये ऑयल अंदर की ओर चला जाएगा और अपोजिट साइड का जो बॉटम ब्रैकेट है गाइस उसमें भी आपका चला जाएगा। हालांकि गाइस गियर वाली जो साइकिल होता है बॉटम ब्रैकेट में बैरिंग लगा हुआ होता है गाइस, बैरिंग सिस्टम वाला होता है, इसके वजह से आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि ऑयल जाने में थोड़ा सा लेट लगेगा इस तरह से, ठीक है। तो ऑयलिंग आपको अच्छे से बॉटम ब्रैकेट में भी कर लेना है। बॉटम ब्रैकेट में ऑयलिंग करने के बाद गाइस साइकिल जब उल्टा हुआ रहेगा तो दोनों साइड का पैडल में आपको इस तरह से ऑयलिंग कर लेना गाइस, ठीक है, पैडल में भी आपको बढ़िया से ऑयलिंग कर लेना है। तो ये देखिए हम पैडल में भी ऑयलिंग कर दिए हैं लोगों। अब चलिए आप लोग को बताते हैं डिस्क बॉक्स में कैसे ऑयलिंग करना है। डिस्क बॉक्स में गाइस आपको जो है एकदम माइनर ऑयलिंग करना, ठीक है, हल्का एकदम माइनर करना, ठीक है, ज़्यादा ऑयल का यूज़ ना करें डिस्क बॉक्स में, एकदम हल्का करना, जरा जरा सा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है गाइस,
एकदम माइनर में करना है और इस जगह में भी आपको माइनर में करना है, ठीक है। एकदम माइनर में ऑयलिंग करना गाइस, ज़्यादा ऑयल का यूज़ ना करें डिस्क बॉक्स में, ठीक है। जहाँ जहाँ नट बोल्ट रहेगा सभी जगह में इस तरह से माइनर माइनर आपको ऑयलिंग कर देना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हम सभी जगह में ऑयलिंग कर दिए, यही प्रोसेस के साथ में हम फ्रंट वाला भी कर लेते हैं। सो गाइस फ्रंट डिस्क ब्रेक में भी हम जो है ऑयलिंग अच्छे से कर लिए हैं। उसके बाद गाइस बारी आ जाता है नट बोल्ट में हैंडल का, ठीक है। नट बोल्ट जहाँ जहाँ रहेगा गाइस वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर ऑयलिंग कर देना, इससे आपका नट वगैरह में क्या होगा कि रस्ट वगैरह नहीं लगेगा गाइस और बेहतरीन से एकदम काम करेगा, नट वगैरह कभी भी खुलने में प्रॉब्लम नहीं होगा, टाइट होने में प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से आपको कर लेना है गाइस। सो गाइस मैं आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से बता दिया हूँ गियर साइकिल में कहाँ कहाँ ऑयलिंग किया जाता है और शिफ्टर में किस प्रोसेस के साथ में करना, जो कि आपका शिफ्टर लॉन्ग लास्ट तक चलेगा, कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले और अदर दोस्तों को जितना हो सके शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।